कि उनकी आंखों में जो आईज जो उनकी आंखों में जो पट्टी जो हम देखते हैं कि सब एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ, यही तो है उनका मतलब। क्या बीजेपी आज उस लीगैलिटी के ऊपर आंखों में पट्टी डाल रही है क्या? नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही लिस्ट में सबका नाम है लेकिन उनमें से जो जो बीजेपी ज्वाइन कर रही है दैट हैज़ बिकम द वे टू अवॉइड यू नो अवॉइड ईडी सीबीआई और व्हाटएवर, यानी जो भी उन्होंने क्राइम किया है, जो भी जिन क्राइम में उनका चार्जशीट में नाम है, वैसे चीज़ों में भी उनको कोई भी इंट्रोगेशन के भी लिए बुलाया नहीं जाता, जबकि रोज वैली शारदा ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक के मनी को हड़पने की मामला है। पब्लिक का मनी जो है उन्होंने हड़प लिया, गरीब लोगों का पैसा उन्होंने ले लिया, 9 साल से ये चीज़ चल रही है। तो इसमें राजनीतिकरण जो है वो स्पष्ट दिख रही है। सुभेंदु अधिकारी केस में मुझे एक एक रीज़न बताइए क्यों उनको बताया नहीं जाएगा। तो ये डेफिनेटली कल जब सुदीप्त सेन ने क्लियर कैमरा के सामने इतने दिन के बाद हमने उनको बात करते हुए देखा, उन्होंने सीधा सुभेंदु अधिकारी का नाम लिया और ये यहाँ तक कहा कि उन्होंने पैसा लेने के बाद उनको ब्लैकमेल भी किया हुआ है, ये बात उन्होंने कही। इसके बाद अगर उनको नहीं बुलाया जाएगा तो सीबीआई का फिर क्या मतलब रह जाएगा? जो हो रहा है हम लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो चीज़ गया है, सब जुडिस है और कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल खेल हो रहा है, ये तो हमको दिख ही रहा है, ये दिख ही रहा है। बाकी क्योंकि ये सब जुडिस है मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो डेप्यूटी स्पीकर है जो एकनाथ शिंदे का जो वोट है, जो उद्धव ठाकरे हैं, सारे लोग उसमें पार्टी हैं। आई विल नॉट मेक अ कमेंट ऑन दैट, बट ये ड्रामा जो हो रहा है इसमें बैंड जो है, बैंड मास्टर जो है वो कोई और है जो सामने नहीं दिखा। टुडे द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट फ्रॉम द ऑपोजिशन यशवंत सिन्हा हैज सबमिटेड हिज नॉमिनेशन, व्हाट वुड यू से व्हाई इज द्रौपदी मुर्मू बीइंग अपोज्ड बाय द ऑपोजिशन? आई हैव नो आईडिया, यू नो फर्स्ट टाइम वुमन आदिवासी सिलेक्टेड, बट व्हाट द ऑपोजिशन इज सेइंग cannot also be ruled out. We all understand the sentiment. We talk about women empowerment. We have a woman chief minister in our state. That's all that. But that should not be connected the way BJP is connecting it with being an Adivasi woman and, you know, blocking her way. So if you see on paper, and on experience, there is no questioning the fact that Yashwant Sinha is a much more experienced, is a real knowledgeable person who had been in politics for a very long time and had a very with different governments and very respectable positions. He is also, you know, a constitutional expert. So in many ways, who wins, who doesn't, that's a different thing. But in many ways, Yashwant Sinha is a better candidate when it comes to qualification that is required for the job.